अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ज़्यादातर आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एआई की मदद से कार्टून नाइम या 3D मॉडल बना सकते हैं, तो इसका जवाब है जी हाँ। तो मैं आप लोगों के सामने एआई की मदद से 3D मॉडल बनाकर दिखाता हूँ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम साइबर रोबोटिक भी बना सकते हैं, 3D पिक्चर स्टाइल भी बना सकते हैं, साइबर रोबोटिक भी बना सकते हैं, सिनेमैटिक रोबोट भी बना सकते हैं और साइबर रोबोट वगैरह भी बना सकते हैं और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग फोकस कोलैब को यूज करने वाले हैं और इसकी मदद से हम मॉडल क्रिएट करेंगे। तो मैं चलता हूँ फोकस कोलैब पर, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है और इंटर कर देना है और फोकस कोलैब को सर्च करके भी आप यहाँ पर आ सकते हो। तो इसमें करना सिर्फ इतना है कि ये वाला हिस्सा इतने पार्ट को आप लोगों ने खत्म कर देना है। खत्म करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसको साथ मेंशन कर दूंगा लिंक के साथ। और हम इसे जस्ट इसे प्ले वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद रन वे पे क्लिक कर देंगे और ये जस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा। इससे पहले मैंने इस पर फोकस कोलैब पर एक और वीडियो बनाई थी, वो भी आप लोग इधर देख सकते हो, ये थंबनेल शो हो रहा होगा, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो इमेज भी चेक कर सकते हो और आप उससे ओरिजिनल रियलिस्टिक इमेज किस तरह जनरेट कर सकते हो। लोडिंग होने के बाद हम लोग जस्ट इधर रनिंग ऑन पब्लिक URL पर क्लिक करेंगे और हमारे पास नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह का एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट छोटी सी प्रॉम्प्ट दूंगा और इधर मैं एडवांस पर क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पर ये 1280x768 पर क्लिक करता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट जाता हूँ स्टाइल पर, तो स्टाइल पर मैं यहाँ पे ये सारे ऑप्शन ऐसे ही रहने देता हूँ और जस्ट फोकस इन हैंड्स पे क्लिक कर देता हूँ। और नेक्स्ट चलते हैं मॉडल पर। मॉडल पर जाने के बाद इधर मैं ब्लू पेंसिल और रिफाइनर, इधर हमें हमारे पास आता है ड्रीम शेप का, ये बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म का रिजल्ट बनाकर हमें देता है। इसके बाद नीचे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग रिफाइनर को 0.5 से 6 पॉइंट के राउंड बाउंड रख सकते हैं, जो कि हमें क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर सारी चेंजिंग सेम रहने देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एडवांस पर। एडवांस पर हम लोग इधर इमेज शार्पनेस को 7 कर देते हैं और डेवलपर डिबगिंग मोड को हम ऑन करते हैं और यहाँ पर CFG को भी हम 7 कर देते हैं। तो ऑलरेडी ये 7 है, अगर कम ज़्यादा है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट सिंपल जनरेट पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं हमारी इमेज किस तरह की जनरेट होती है। और हमारे पास ये दो इमेज आ गई हैं और हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये प्रॉम्प्ट के बाद जो हमें रिजल्ट मिले हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे आउटस्टैंडिंग किस्म के हैं। छोटी सी प्रॉम्प्ट के साथ इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा उम्मीद नहीं थी। और नेक्स्ट इमेज चेक करते हैं और ये इमेज भी बहुत ज्यादा अच्छी है और हमें क्लासरूम बैक पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं एक और प्रॉम्प्ट इधर पेस्ट करता हूँ और मैं सिंपल इधर जनरेट पर क्लिक कर देता हूँ। टेक अ टाइम फ्यू सेकंड्स और हमारी इमेज जनरेट होना शुरू हो गई है।
ये हमारी इमेज जनरेट हो गई है और आप लोग इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो। इमेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आउटस्टैंडिंग है, नेक्स्ट लेवल है। तो मैं इस पर जस्ट क्लिक करके से डाउनलोड भी कर लेता हूँ, सेव एज कर लेता हूँ। और इसके बाद अगर आप 3D रियलिस्टिक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं तो भी आप लोग बना सकते हैं। मैं सिर्फ शॉर्ट सी प्रॉम्प्ट देता हूँ और चेक करते हैं कि उसका रिजल्ट क्वालिटी कैसा है। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने पेस्ट कर दी है और इसे जनरेट पर सिर्फ क्लिक करना है। और हमारे पास ये भी इमेज जनरेट हो गई है। मैं इसमें स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वो मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं की है। तो मैं जस्ट इसे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकता हूँ और इमेज क्वालिटी भी चेक कर सकता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आप लोग रिपोर्ट टाइप इमेज क्रिएट करना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में, तो मैं आप लोगों के सामने एक शॉर्ट सी प्रॉम्प्ट दूंगा और इसे इधर पेस्ट कर दूंगा। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ स्टाइल में कुछ चेंजिंग करता हूँ और इनमें मैं ये सेम ही रहने दूंगा और मैं नीचे आ जाऊँगा। इधर नीचे आने के बाद इधर फ्लोरेस्टिक साइबरमेटिक रोबोट पर मैं क्लिक करूँगा और मॉडल में मैं देख लेता हूँ तो ये सेम रहने दूंगा। और इधर एडवांस में हम डेवलपिंग मोड को ऑन करने के बाद हम इसे इधर TFG को 7 कर देंगे तो ये मेरा ऑलरेडी 7 है और सिंपल इस पर जनरेट पर क्लिक कर दूँगा और ये हमारी इमेज जनरेट होना शुरू हो गई है। और ये रोबोट ऐप आप लोग कार्टून, मूवी मेकर, वीडियो एडिटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं इमेज को क्रिएट करके, और हम लोग इसे नाम वगैरह और मूवी वगैरह भी बना सकते हैं। और आप लोग इधर इमेज क्वालिटी चेक कर सकते हो, OP लेवल है ये भाई इमेज, नेक्स्ट सेव एज करके इसे सेव कर सकते हो। अगर आप लोग नेचर वाइज कुछ चीज बनाना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड भी मैं आप लोगों के सामने प्रॉम्प्ट देकर इमेज जनरेट करूंगा विद इन 2 सेकंड। तो मैं इस प्रॉम्प्ट को खत्म कर देता हूं, खत्म करने के बाद पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं जस्ट स्टाइल में तो कुछ चीजें चेंज करूंगा, जैसा कि ये साइबर राइटिंग रोबोट को मैं अनचेक करता हूँ और SAI फैंटेसी को भी अनचेक कर दूंगा और मैं यहाँ पर इसे जस्ट SAI फोटोग्राफी पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद सिंपल इधर जनरेट पर क्लिक करूंगा और हमारी इमेज रेडी हो जाएगी।
और हमारी 4 इमेज रेडी हो गई है बिल्कुल। और आप लोग इधर से अपने मुताबिक सेटिंग में जाकर इमेज को नंबर दे सकते हो, इमेज नंबर आप जितने जनरेट करना चाहते हो। जिस तरह के 32 लास्ट है और मैंने 4 पर ही रखा था, पहले मैंने सिर्फ 2 इमेज जनरेट की थी और अब 4 की है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप क्लिक करके इमेज क्वालिटी चेक कर सकते हो और इसे डाउनलोड कर सकते हो। और इस तरह की इमेज सीनरी वगैरह या कोई बैकग्राउंड के लिए हम अनाइम वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने इस पर फोकस क्लैब पर एक और वीडियो बनाई थी, वो भी आप लोग इधर देख सकते हो, ये थंबनेल शो हो रहा होगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो इमेज भी चेक कर सकते हो और आप उससे ओरिजिनल रियलिस्टिक इमेज किस तरह जनरेट कर सकते हो। ये मैंने बनाई है शॉर्ट सी प्रॉम्प्ट देकर। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।